मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। वाह, ये जो कालजयी पंक्तियाँ आप सुन रहे थे ये हैं पद्म भूषण डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। बहुत अद्भुत पंक्तियाँ हैं ये। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊँ असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के यशस्वी कवि और हालाबाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। पिता प्रताप नारायण जी श्रीवास्तव और माँ सरस्वती देवी के कोख को धन्य कर दिया हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1938 में अंग्रेजी से एमए किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में श्यामा जी के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन बहुत दिन तक यह विवाह चल नहीं सका। देखो जीवन की विडंबना। इतना महान कवि, यशस्वी रचनाकार, शिक्षाविद, उत्कृष्ट प्राध्यापक, लेकिन विध के आगे किसी का नहीं चलता। टीवी से श्यामा जी का निधन हो गया। कवि टूट गया, भाव विह्वल हुआ, दुखी हुआ और उसमें अवसाद घर कर गया उसके मन में, जीवन में। 1941 में तेजी सूरी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। तेजी सूरी से दो बच्चे, आप जानते हैं फिल्मी संसार का महानायक अमिताभ बच्चन और दूसरे हैं अजिताभ। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर बच्चन ने प्राध्यापक के रूप में काम किया और इसके पश्चात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने काम किया है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे और आपने अपने जीवन काल में अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी संसार को भरने का स्तुत्य प्रयास किया है। इन्होंने छायावादी लाक्षणिक वक्रता को छोड़कर सहज सरल अभिव्यक्ति को अपना माध्यम बनाया और इन्होंने अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के ऐसे नक्षत्र हैं जिन्होंने अनेकानेक ग्रंथों को देकर हिंदी साहित्य को वैभव प्रदान किया है, गौरवान्वित किया है और साहित्योपवन को इन्होंने महका दिया। इनकी रचनाएं 26 काव्य संकलन, 4 आत्मकथा और अनेक लोक शैली पर गीतों को इन्होंने प्रसाद स्वरूप में प्रदान किया है। इनका पहला ग्रंथ तेरा हार 1932 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद मधुशाला, ये वही मधुशाला जो उमर खय्याम के भावना प्रसूनों को भाषा के तार में पिरोकर यह परमात्मा के चरणों में समर्पित कर लिया है। मधुशाला आध्यात्मिक
काव्य संकलन है। मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाच घर, जाल समेटा आदि इनके अनेक काव्य ग्रंथ हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 आत्मकथाएं लिखकर हिंदी साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ा है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीव का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी 4 आत्मकथाएं हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ वैयक्तिक जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति और ईमानदार अभिव्यक्ति इनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रेम, सौंदर्य, मानवतावाद, वैयक्तिकता, रहस्यवादी भावना के दर्शन हमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति में प्राप्त होते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अपने युग के सर्वोत्कृष्ट गीतकारों में से रहे हैं। उन्होंने अनेकानेक गीतों की सृजना कर हिंदी साहित्योपवन को सुरभित कर दिया है। एक उनका ग्रंथ है बुद्ध और नाच घर, जिसमें उन्होंने अपना आत्म परिचय दिया है। अपना परिचय देते हुए कवि ने संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक भौतिक संबंधों को व्यक्त किया है, उजागर किया है। आइए सुनते हैं गीत। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ,
मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। संसार भर का भार, संसार के संबंधों का निर्वहन, निर्वाह, फिर भी हरिवंश राय बच्चन अपने प्यार को सर्वाधिक महत्व देते हैं। सांसारिक दायित्वों का भार उठाकर भी वह प्यार को नहीं भूलता। सबके प्रति, संसार के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति उनकी प्रेम भावना विद्यमान रहती है। किसी ने छूकर उनको झंकृत कर दिया, उनके वीणा के तारों को, उनके जीवन को, और वही झंकार आज लेकर के प्रेम के वीणा की वह निरंतर चल रहे हैं संसार में। इसी भाव को इन्होंने व्यक्त किया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कभी जो है प्रेम रूपी सुरा का, शराब का, मद का पान करता है। प्रेम भी एक प्रकार का मद ही है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब आदमी संसार से प्रेम करने लगता है या अपने किसी विशेष से प्रेम करने लगता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। हरिवंश राय बच्चन स्नेह सुरा का पान कर इस संसार का ध्यान नहीं कर पाते, अपने आप में वो मस्त रहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार के लोग उसी को पूछते हैं जो इस दुनिया में उसका जयगान करे, उसकी प्रशंसा करे, तारीफ करे, जग की गाए, लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो अपने मन में अपने आप मस्त रहता हूँ, अपने आप गीत गाता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय के जो भावना प्रसून हैं, जो उद्गार हैं, मैं उनको लेकर के पूरे संसार में चलता हूँ, फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के अनेकानेक उपहार इस संसार को देता फिरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार पूरा है ही नहीं। वैसे भी पूर्ण केवल एक है, पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल एक ही पूर्ण है, वो है परमात्मा। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह जो अपूर्ण संसार है यह मुझे नहीं सुहाता, नहीं अच्छा लगता। मैं तो स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। जो मैंने सपन देखे हैं, जो मैंने कल्पनाएं की हैं, मैं उन्हीं कल्पनाओं को लेकर के जीवन यापन करता हूँ। यद्यपि प्रेम में मुझे, प्रेम के कारण या प्रेम में मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाई। उस समय श्यामा जी का निधन हुआ था और श्यामा जी के निधन के बाद उनका हृदय टूट गया था। तो कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। उनके हृदय में काहे की अग्नि जल रही है, किसकी अग्नि जल रही है? प्रेम की। उसी से मैं जल रहा हूँ और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। लेकिन अब मैं सुख दुख में तटस्थ भाव से रह रहा हूँ, जिसे मतलब संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में एक समान तटस्थ स्वभाव से रहना, मैं उस तरह से अब जीवन यापन कर रहा हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, ये सारा संसार पार उतरने के लिए, इस संसार में जीवन यापन कर आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को करता है, नाव बनाता है, लेकिन मैं तो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हम जो संसार में, हमारा जो मतवालापन है, हमारे जो हृदय के उद्गार हैं, जो लहरें हैं,
हृदय की, मैं उसी में अनवरत प्रवाहित रहता हूँ, बहता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। कवि अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद में गहरे दुख की पीड़ा सन्निहित है, ऐसे प्रिय की याद जो सुख दुख की अनुभूति करा देती है, बार बार हंसाती है, रुलाती है, मैं उसी की स्मृति को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का जो उन्माद है, जो मतवालापन है, उसमें मुझे कितना गहरा दुख मिला है, कितनी पीड़ा मिली है, जो बाहर से तो हंसाती है और भीतर भीतर रुलाती है। दर्द छिपाकर मुस्कराना जिंदगी की एक अच्छी कला है। कर यत्न मिटें सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटें सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, जहाँ पर होशियार लोग हैं, जहाँ पर विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान हैं, वहीं ना समझ में रहते हैं। बहुत प्रयास किया लेकिन इस सत्य को क्या किसी ने समझा? नहीं समझा। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अरे मूढ़ लोग इस संसार में, ये संसार के लोग क्या इसे सीख पा रहे हैं? नहीं। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं पर खालीपन भी रहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। संसार के संबंधों का निर्वहन मैंने बहुत किया है, कर रहा हूँ, मैं रोज संबंध बना रहा हूँ। संसार के लोग ऐसा ही कर रहे हैं, संबंध बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, मिटते हैं। और यह संसार जो है रोज संबंधों को बनाता है, पर मैं रोज मिटाता चलता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग इस धरती पर सुख की कामना के लिए वैभव इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, सांसारिक सुख की कामना से विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि रुदन में राग लिए फिरने की बात करता है और शीतल वाणी में आग के लिए फिरने की बात करता है। वो सांसारिक वैभव को तुच्छ समझकर राजप्रासाद को न्यौछावर करना चाहता है। कितनी विरोधाभासी स्थिति है। शांत चित्त दृढ़ता के साथ उसकी वाणी में वो प्रहार की शक्ति है, उस शक्ति का एहसास कराना चाहता है। इसीलिए रुदन में राग और शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात कवि जो है कर रहा है। आगे कवि कहता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि जब मन की पीड़ा को व्यक्त करता है तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संसार मुझे कवि के रूप में क्यों सम्मान करे, मैं तो इस संसार का एक अलग दीवाना हूँ, मुझे कोई कवि न कहे। यहीं पर मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, चाहे कोई लिखे किसी के लिए लिखे, पर जन्म गीत का सदा दर्द से होता है। अब तक तो कहता इतिहास यही, पीछे कवि लिखता पहले तो रोता है। इसी बात को महाकवि सुमित्रानंद पंत ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी आंसू की जो सर्जना की सी, ये सर्जना की इसी पीड़ा का परिणाम है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ। आगे फिर कवि कहता है, मैं दीवानेपन की मस्ती और मादकता से भरा हुआ वेश लेकर के घूम रहा हूँ, मैं जिसको सुनकर जग
झूम झुके लहराए, जिसको सुन करके सारा संसार लहराने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, वह दीवानों का बेस लिए इधर उधर घूम रहा है। यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता का द्योतक है।